Okay, so hi kids, I can see that most of you are present here, bacha. Now you must be wondering kids कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारा आज का टॉपिक है ट्रेंड्स फॉलोड ऑन न्यू ईयर. एंड बिफोर आई मूव ऑन किड्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं किड्स एंड लेट अस अंडरस्टैंड बच्चों कि न्यू ईयर किड्स बहुत सारी खुशियां लेकर आता है ना, हमें बहुत चार्ज्ड फील कराता है कि हाँ अब तो नया साल आ गया, अब हम ये करेंगे, ये हमारा रेजोल्यूशन है, हमने डिसाइड कर लिया है कि एक फिक्स्ड रूटीन बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे. ठीक है, बट क्या आपको पता है बच्चों कि न्यू ईयर पे कैसे कैसे कस्टम्स, कैसे कैसे ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं वर्ल्ड वाइड? तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि टुडे वी विल हैव अ लुक एट सम ऑफ द न्यू ईयर ट्रेडिशंस अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो पहले बात करते हैं बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स की. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चे कॉमन ट्रेडिशंस थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट में बच्चों होता है ऑल लैंग साइन मींस बच्चे टू ग्रीट द न्यू ईयर एंड ईटिंग ब्लैक आइड पीज फॉर गुड लक. ठीक है, तो वहां पे बच्चे जैसा कि हम अपनी भाषा में लोबिया बोलते हैं बच्चों, तो वहां पे किड्स लोबिया खाना एक प्रथा है बच्चों. ठीक है, और ये गुड लक के लिए, अच्छे लक के लिए न्यू ईयर पे खाया जाता है. ओके, ये यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेडिशन है. अगर हम बात करें स्पेन की किड्स, तो स्पेन में बच्चों इट इज कस्टमरी टू ईट 12 ग्रेप्स, 12 अंगूर खाए जाते हैं बच्चे, वन एट ईच स्ट्रोक ऑफ द क्लॉक एट मिडनाइट ऑन न्यू ईयर्स ईव. तो न्यू ईयर के ईव से पहले मतलब बच्चे 31 दिसंबर को, इट मींस कि हर स्ट्रोक पे बच्चे हर बार जब एक घंटी बजती है तो एक एक ग्रेप करके लोग वहां पे 12 ग्रेप्स खाते हैं. ओके, एंड ईच ग्रेप रिप्रेजेंट्स गुड लक फॉर वन मंथ ऑफ द कमिंग ईयर. हर एक अंगूर बच्चों रिप्रेजेंट करता है अच्छा लक हर एक मंथ के लिए आने वाले नए साल में. ठीक है, ये स्पेन का ट्रेडिशन है किड्स. अगर हम कोलंबिया की बात करें बच्चों, तो इन होप्स ऑफ अ ट्रैवल फिल्ड न्यू ईयर रेसिडेंट्स ऑफ कोलंबिया कैरी एम्प्टी सूट केसेस अराउंड द ब्लॉक. ठीक है, तो कोलंबिया के लोग बच्चे मानते हैं, सोचते हैं ऐसा कि काश मेरा न्यू ईयर बिल्कुल ट्रैवल से फुल हो, है ना, काश ट्रैवलिंग का मौका मिले. तो कोलंबिया के लोग बच्चों अपने पास एक एम्प्टी सूटकेस कैरी करते हैं और ये न्यू ईयर पे उसको अपने साथ लेकर यहां वहां जाते हैं बच्चों. ये कोलंबिया का ट्रेडिशन है. अगर मैं डेनमार्क की बात करूं किड्स, तो मुझे हैमलेट की याद आ जाती है, पर उसको मैं असाइड रख देती हूँ और मैं बताती हूँ बच्चों कि रेसिडेंट्स ऑफ डेनमार्क ग्रीट द न्यू ईयर by throwing old plates and glasses against the doors of family and friends to banish bad spirits. ठीक है, तो ऐसा मानते हैं बच्चों कि डेनमार्क में किड्स न्यू ईयर की शुरुआत होती है पुराने प्लेट्स को या ग्लासेस की चीजों को तोड़ करके, सो दैट अगर कोई बुरी स्पिरिट हो बच्चों, कोई बुरी ईविल चीज हो, तो वो फैमिली और फ्रेंड्स को हार्म ना कर सके. ठीक है, ये डेनमार्क की प्रैक्टिस है बच्चों. अगर मैं फिनलैंड की बात करूं किड्स, तो इन फिनलैंड पीपल प्रेडिक्ट द कमिंग ईयर बाय कास्टिंग मोल्टन टिन इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर, देन इंटरप्रेटिंग द शेप द मेटल टेक्स आफ्टर हार्डनिंग. अ हार्ट और रिंग मींस अ वेडिंग, व्हाइल अ शिप प्रेडिक्ट्स ट्रैवल एंड अ पिग डिक्लेयर्स देयर विल बी प्लेंटी ऑफ फूड. ठीक है, तो फिनलैंड में क्या प्रथा है बच्चों, फिनलैंड में किड्स एक मोल्टन टिन को बच्चे कंटेनर ऑफ वाटर में बदला जाता है बच्चों. ठीक है, अगर मेटल किड्स धीरे धीरे हार्डन हो करके जैसा शेप लेता है बच्चों, उससे अनुमान लगाया जाता है कि क्या हो सकता है. तो अगर बच्चे ये वेसल हार्ट या रिंग का शेप लेता है, तो इसका मतलब है शादी हो सकती है. अगर ये शिप का शेप लेता है किड्स, इसका मतलब कोई ट्रैवल या जर्नी पे जा सकता है. और अगर ये एक पिग का शेप लेता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारा फूड होगा, फूड की कोई कमी नहीं होगी. ये फिनलैंड का ट्रेडिशन है. अगर मैं पनामा की बात करूं किड्स, तो पनामा में भी बच्चों थोड़ा सा हमें सिमिलर प्रैक्टिस देखने को मिलता है, क्योंकि पनामा में बच्चों इविल स्पिरिट्स को ड्राइव ऑफ करने के लिए, बच्चों उनको भगाने के लिए किड्स एफिजीज बर्न होते हैं. ठीक है, पुतला बर्न किया जाता है बच्चों ऑफ वेल नोन पीपल एंड टेलीविजन कैरेक्टर्स हो सकते हैं बच्चे, ये पॉलिटिकल फिगर्स, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं जिनके पुतले बर्न होते हैं
ऐसा माना जाता है कि पुतले बर्न होने से जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो भाग जाती हैं। एंड एफिजीज बच्चों आर मेंट टू रिप्रेजेंट द ओल्ड ईयर। एफिजीज बच्चों गया हुआ पुराना गया हुआ साल दिखाते हैं और एक नई शुरुआत भी दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, सो ये पनामा की प्रैक्टिस है गाइस। अगर मैं फिलीपींस की बात करूं बच्चे, तो फिलीपींस विकेट्स आपको राउंड शेप्स ऑल ओवर द फिलीपींस ऑन न्यू ईयर्स ईव मिलेंगे बच्चे, क्योंकि वो क्वाइंस को सिंबलाइज करते हैं किड्स। ठीक है, आपको राउंड शेप्स देखने को मिलेंगे फिलीपींस में 31st को। ठीक है, 31st की शाम को बच्चों, क्योंकि ये क्वाइंस को सिंबलाइज करते हैं, क्वाइंस को दिखाते हैं बच्चा। और क्वाइन का मतलब होता है किड्स खूब सारा पैसा, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी। और बहुत सारे लोग इसीलिए किड्स पॉलका डॉट्स, बॉबी बूटा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों, गोल गोल है ना डिजाइन भी पहनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गोल पहनने से गुड लक आएगा। ग्रीस की मैं बात करूं बच्चे, तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है इनका बच्चों। ये अनियन को किड्स अपने घरों के बाहर न्यू ईयर पे टांग देते हैं, लगा देते हैं बच्चे। एंड किड्स ग्रीस में बच्चों अनियन रीबर्थ भी सिंबलाइज करता है। ठीक है, किसी का पुनर्जन्म भी सिंबलाइज करता है बच्चों। एंड न्यू ईयर पे किड्स पेरेंट्स भी अपने बच्चों के सर पे किड्स हल्का सा अनियन टैप करके उन्हें उठाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीस का ट्रेडिशन है किड्स। एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना बच्चे कि सबसे अच्छा ट्रेडिशन आपको कहां का लगा किड्स। इंडिया में तो हम बस हैप्पी न्यू ईयर विश कर देते हैं बच्चों, राइट? तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल किड्स। कमेंट में जरूर बताना बच्चे कि क्या आप भी कोई प्रैक्टिस या ट्रेडिशन फॉलो करते हो, बिकॉज आई विल बी गोइंग थ्रू द कॉमेंट्स। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, दिस इज योर मास्टर टीचर फिरदौस साइनिंग ऑफ। Hope to meet you in the next class pretty soon. Thank you very much. Do not forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you.